हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। एज़ यू ऑल नो, आई एम फ्रॉम मुंशी। आज मैं लाइव हूँ TDS के टॉपिक पे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है TDS TCS। आज इस टॉपिक के ऊपर आई एम हियर लाइव विद यू। सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट मी थैंक एंड वेलकम ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस फ्रॉम 15th of January। जो हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ है उसमें उन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी क्लासेस सारी अवेलेबल करवा दी गई हैं। दे कैन चेक देयर मेल IDs, देन यू कैन प्रोसीड विद योर क्लासेस एंड ऑल। इन क्लासेस में सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर होगा एज यू ऑल नो ऑलरेडी। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक फॉर टुडे TDS। सबसे पहले ये देखें कि व्हाट द TDS इज़, कि ये होता क्या है। इट्स जस्ट दैट कि सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स विच आर स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, जिनके ऊपर यू डोंट हैव टू पे द फुल अमाउंट टू द पार्टी, यू नीड टू divide both to a single and have to pay to the government. Then बात ये आती है कि TDS किन transactions पे काटना है, किन पे नहीं काटना, कौन सी transactions हमने consider करनी है TDS के लिए, किन की हमने full payment party को ही कर देनी है। That's a matter of detailed discussion and that will be covered in our classes जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। TDS टॉपिक कम्प्लीटली उसमें कवर किया जाएगा। एंड नाउ व्हाट द ट्रांजेक्शन आर जिनके ऊपर TDS कटना चाहिए। आई विल गिव सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ओनली, लाइक आर दिस वन, आर सैलरीज पेड टू द स्टाफ मेंबर्स, आर ट्रांसपोर्टर्स को जो हम पेमेंट करते हैं उसके ऊपर, इन केस वी परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, देन उनके ऊपर परचेज करने के टाइम पे हमने TDS कुछ काट के आगे पेमेंट करनी होती है। एंड जो हम TDS काटते हैं वी नीड टू डिपॉजिट दैट इमिडिएटली विद द गवर्नमेंट, एंड द डिपॉजिट चलान इज इट्सेल्फ अ रिटर्न, कि साथ के साथ चलान भी डिपॉजिट होगा, साथ के साथ रिटर्न भी जाएगी। And as per the change rules, you need to put each and every detail of the buyer as well as of the seller. पहले इतनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब after some changes in the laws, after some changes in the forms, you need to put all the details like PAN, their address, their Aadhaar numbers and everything of the buyer as well as of the seller, then only you can proceed. अब TDS की बात करें तो ये तो हो गया कि किन transactions पे TDS कटना चाहिए। अब आगे बात आती है कि कौन liable हैं TDS काटने के लिए। Of course जो normal रूटीन लोग हैं, जो सर्विस वाले हैं, दे डोंट नीड टू डिडक्ट एनी TDS ऑफ एनी पार्टी। कोई नॉन वर्किंग क्लास है या फिर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, दे डोंट नीड टू डिडक्ट एनी अमाउंट अंटिल एंड अनलेस देयर बुक्स आर लाइबल टू गेट ऑडिटेड फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट द ईयर एंड। अगर आपकी सेल क्रॉस करती है उस थ्रेशोल्ड से जो लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट है, ओनली देन यू नीड टू डिडक्ट अ TDS फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टी या फिर फ्रॉम अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, देन ओनली यू कैन डू ऑल दिस। अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है TDS के टॉपिक के बीच में सोचने की भी। देर इज़ अ पर्टिकुलर लिमिट जिसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो, ओनली देन TDS इज़ एप्लीकेबल ऑन यू, नॉट बियॉन्ड दैट। देन आगे बात करें, ये तो हो गया कि हु नीड टू डिडक्ट द TDS। नाउ कि एट व्हाट रेट्स यू नीड टू डिडक्ट द TDS। रेट्स जो हैं वो हर ट्रांजेक्शन के हिसाब से दे आर डिफरेंट। किसी ट्रांजेक्शन पे कुछ रेट लग रहा है, किसी ट्रांजेक्शन पे कुछ रेट लग रहा है, किसी ट्रांजेक्शन की थ्रेशोल्ड अलग है, किसी ट्रांजेक्शन की थ्रेशोल्ड अलग है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट सेक्शंस इन द TDS विच will be in detail will be covered in the classes. सारे बच्चे जो क्लासेस लगा रहे हैं, जो आगे फर्दर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे या जो आगे क्लासेस लेंगे, उन्हें ये सारी चीज़ें डिटेल में हम करवाएंगे।
क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं एंड इन केस एनी अदर पर्सन वॉन्ट्स टू जॉइन द ऑनलाइन क्लासेस दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन. देन मूविंग फर्दर, एक हो गया कि वॉट द टी डी एस इज, एक हो गया ऑन विच ट्रांजेक्शन्स द टी डी एस नीड टू बी डिडक्टेड, थर्ड वन इज हु आर लाइबल टू डिडक्ट द टी डी एस, एंड द नेक्स्ट थिंग वॉट इफ if you don't deduct any TDS, if you don't deposit any TDS, of course there are penalties. If you deduct a particular amount from any person's payment and you don't deposit it with the government, then you are very much liable to pay the interest to the government. Per month interest, 1 or 1.5%, depending upon the different cases, you need to deposit that with the government. And what if you deducted the amount correctly, you deposited the amount on time, but you have failed to file the returns, then also you will be penalized with 200 per day penalty, during which your default continues. Ab in nutshell, agar hum dekhen, to it's not a very, very big concept. It's a very small concept. You need to take care of this during your routine business hours या routine business transactions में आपको इसको देखने की, इसका ध्यान रखने की पूरी ज़रूरत पड़ेगी. आपको हर चीज़ साथ के साथ देख के चलनी पड़ेगी. And if you are following this, you need to follow all the requirements of the government. अगर आप एक If you think कि हमने TDS काट लिया and काट के अपने पास रख लिया and you don't deposit it with government, then also you are wrong. If you deposit it with government on time and if you don't file your returns, then also you are wrong. एक बार आपने किसी एक person का TDS काट लिया, government को deposit कर दिया, उसकी return file कर दी, only then the other person will be getting the benefit of that TDS which you have deposited on their behalf. Ab TDS ka topic ek ye dekhen, to it's not that big topic. Hum classes mein ise cover karenge. Near about 2 to 3 classes TDS ke upar hongi, jisme first class basic concepts honge. सेकेंड क्लास में हम इन डेप्थ चीज़ें सीखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस होती हैं जो हमें रूटीन में आगे बिजनेस में देखने को मिलती हैं. एंड ऑफ कोर्स इन थर्ड क्लास वी विल बी कवरिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि आपने कैसे एंट्रीज करके देखनी है, कैसे उसकी सारी अकाउंटिंग करनी है, कैसे उसकी रिटर्न्स की तरफ जाना है, वो सारी चीज़ें होंगी. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट क्लास विल बी योर प्रैक्टिस क्लास. यू विल डू ऑल द थिंग्स, जो भी हम आपको असाइनमेंट्स देंगे, बिल्स देंगे, उसके बेसिस पे आप अपने पास ये एंट्रीज को रिकॉर्ड करके देखोगे. अब ये सारी चीज़ें हो गई टी डी एस के ऊपर. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, आई वुड लाइक टू डिस्कस द डिटेल्ड सिलेबस. डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर एक क्लास की एक वीडियो भी हमारे पेज पर अभी आएगी, जो आप डिटेल में उसे कवर कर सकते हो, उसे देख सकते हो. सब चीज़ें कवर होंगी जिसमें मैंने यही डिस्कस किया है कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स योर बेसिक अकाउंटिंग, जो आपकी सारी एंट्रीज हैं वो कैसे फॉर्मुलेट होनी है, कैसे बननी है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे. बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे. हम ये चीज़ अज्यूम नहीं करेंगे कि आपने ऑलरेडी बी कॉम की हुई है या आपने ऑलरेडी एम कॉम की हुई है या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग हो इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स. ये चीज़ की अजम्पशन हमने बिल्कुल नहीं लेके चलनी. हमने आगे ये देख के चलना है कि हम कैसे उसे चीज़ को देख रहे हैं, किस पॉइंट से हम सोचना शुरू कर रहे हैं, किस पॉइंट पे जाके हम उसे सोचने का ख़त्म कर रहे हैं, किस तरह से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, हमने वो चीज़ सीखनी है. हमने ये अज्यूम नहीं करना कि हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, हम अभी प्रैक्टिकली वर्किंग अकाउंटेंट्स हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें सीखने की. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको सारी चीज़ें स्टार्टिंग से आती हैं, देन ओनली यू कैन डू प्रैक्टिकल वर्क. आपका सोचने का एक जो वे ऑफ थिंकिंग है, दैट मैटर्स अ लॉट. हर चीज़ का अपना एक, हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. यू नीड टू डू ईच एंड एवरी थिंग स्टेप बाय स्टेप. यू नीड टू थिंक अकॉर्डिंगली. यू नीड टू थिंक इन अ लाइन कि हर चीज़ को आप एक बाय वन अगर आप सोच के चलोगे तभी आप आगे
कई एंट्रीज होती है जो हमें पता होती हैं कि इसमें ये चीज़ होनी है, ये चीज़ नहीं होनी है, ऐसे एंट्री करनी है, वी नो एवरीथिंग, क्योंकि बीकॉम अगर किसी बच्चे ने किया तो ऑफकोर्स उसे एंट्रीज के बारे में तो पता है, बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन जब नई नई सिचुएशंस आती हैं उसकी एंट्रीज कैसे फॉर्मुलेट करनी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. यू नीड टू थिंक, यू नीड टू लर्न दैट थिंग कि हाउ टू फॉर्म्युलेट एन एंट्री, कि कोई भी सिचुएशन आती है आपने उसे कैसे जज करना है, कैसे उसकी एंट्री बनानी है. एक बार एंट्री बन गई द होल अकाउंट्स डिपेंड्स अपॉन दैट, सारा कुछ उसी पे डिपेंड करेगा. सेकंड वन वी विल बी कवरिंग कैट प्रो, कैट प्रो सॉफ्टवेयर के ऊपर हम सारी प्रैक्टिस करेंगे. देन द थर्ड थिंग द जीएसटी, जीएसटी को लेके मेरे पास और बहुत सारी क्वेरीज हैं कि मैम जीएसटी में आप रिटर्न्स कवर करोगे, ऐसे तो नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जीएसटी समझा दोगे एंड ख़त्म कर दोगे, या फिर आप, कई बच्चों ने ये भी पूछा है, ये तो नहीं है कि आप जीएसटी का लॉ लेके बैठ जाओगे कि आप हमें पूरा समझाने बैठोगे कि जीएसटी में इस रूल में क्या है या उस रूल में क्या है. उन सब के आंसर्स मैं उन्हें उनके प्लेटफॉर्म्स पे तो दे ही रही हूँ, प्लस एक वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर ये चीज़ कर देना चाहती हूँ कि जीएसटी को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं कवर करवाया जाएगा. जितनी चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट हैं उतनी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी, एंड सारी चीज़ों की विद प्रैक्टिस हमने आगे चलना है, विद एक्चुअल बिल्स हमने पूरी प्रैक्टिस करके ही आगे चलना है. एक चीज़ को लेके हमने ये नहीं करना कि हम पूरा एक्ट पढ़ने बैठेंगे कि एक एक रूल में क्या है, एक एक एंट्री में क्या है, क्या क्या एक एक सेक्शन कहता है, ऐसे हमने करके नहीं चलना. हमने ये देखना है कि जीएसटी ओवरऑल क्या है, अगर मैं बैठ के कोई काम कर रही हूँ जीएसटी के ऊपर तो वो कैसे आगे मैंने प्रोसीड करना है, कि कैसे उसको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हमने देख के चलनी है. ये सब नहीं करना कि बुक खोल के बैठ गए एंड सारा जीएसटी लॉ बैठ के पढ़ा दिया. This will not be going to happen. कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. GST को लेके मेरे पास और भी कुछ क्वेरीज आई हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम हम GST की nil return फाइल कर लेते हैं लेकिन जो रूटीन रिटर्न है वो नहीं हमें बनानी आती या उसमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बना पाते. तो ये चीज़ के ऊपर भी मैं एक आंसर देना चाहती हूँ कि जो GST की रूटीन रिटर्न्स चलनी हैं वो सब भी इस कोर्स में कवर्ड हैं, सारा कुछ लाइन टू लाइन हमने लेके चलना है. हमने कोई भी वेग या ऐसी बात नहीं करनी जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो या फिर हम उसे नहीं आगे काम आने वाली चीज़ होगी, इररेलीवेंट सी चीज़ हमने कोई नहीं लेके चलनी. हमने सारी चीज़ें रेलिवेंट लेके चलनी है. देन आफ्टर जीएसटी वी विल बी हैविंग टीडीएस, टीसीएस ऑफ कोर्स. हमने आज डिस्कशन भी की है ऑन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ टीडीएस व्हाट इट इज, हमने सारा डिस्कस किया है. एंड टीडीएस एंड टीसीएस डिटेल में विद सेक्शन नॉलेज, जो आपको रूटीन में सेक्शंस यूज होंगे वो सारे हम लेके चलेंगे. अलॉन्ग विद दैट वो कैसे प्रैक्टिकली हमने उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, हमने उसकी रिटर्न्स की तरफ कैसे जाना है, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हर चीज़ हम इसमें कवर करके चलेंगे. यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल कि आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि जो आप आगे जाके काम करने लगो तो फिर आपका रह जाए, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है या फिर कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई है जो हमने क्लास में कवर नहीं की, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी. हर चीज़ हम इसमें कवर करके चलेंगे. आफ्टर TDS आई विल टॉक अबाउट स्टॉक रिकॉर्ड्स, योर स्टॉक रिकॉर्ड्स प्रिपरेशंस. आफ्टर GST स्टॉक रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट हर कंपनी ने मेंटेन करने स्टार्ट किया, एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेंटेन द स्टॉक रिकॉर्ड्स वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इन लाइन. एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट बिकॉज द रीज़न, मेन रीज़न इज दैट कि स्टॉक में कोई पर्सन आके आपके यूनिट पे या फिर जो पार्टी है उसकी यूनिट पे जाके अगर विजिट करेगा तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल और कुछ नहीं, सिर्फ ये देखेगा कि एक्चुअल स्टॉक कितना पड़ा है एंड आपका बुक स्टॉक क्या बोलता है. आपकी दोनों स्टॉक्स में एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए. अगर बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा दैट विल बी अ वेरी वेरी नेगेटिव पॉइंट, एंड वो जवाब देना उस पर मुश्किल हो जाएगा. जब तक आपने स्टॉक रिकॉर्ड्स प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किए हुए आप कह ही नहीं सकते कि आपके रिकॉर्ड्स परफेक्ट हैं. आपके रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं रहेंगे अगर आपने स्टॉक रिकॉर्ड्स इन लाइन प्रिपेयर नहीं किए हुए. स्टॉक प्रिपरेशंस में
हम हर चीज़ लेके चलेंगे कि कैसे आपने स्टार्ट करनी है इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन सर्विस यूनिट, या फिर इन यू कैन से ट्रेडिंग यूनिट. हर चीज़ में आपने कैसे स्टॉक को लेके चलना है, साथ के साथ लेके चलना है, वो कैसे होना है, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे. इवन बिलिंग विल ऑल्सो बी कवर्ड कि हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक बिल्स, बिल्स कैसे आपने बनाने हैं किसी भी पर्सन के, उनके ई वे बिल्स कैसे बनने हैं, वो सब भी हमने इसमें कवर करके चलना है. एंड ऑफ कोर्स डेबिट क्रेडिट नोट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन बिजनेस, बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी फ्रीक्वेंट थिंग विच यू आर गोइंग टू सी व्हेन यू वर्क. डेबिट क्रेडिट नोट्स पता सबको होता है कि ये ऐसा कुछ होता है, या डेबिट नोट्स होते हैं, क्रेडिट नोट्स होते हैं, लेकिन डिटेल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको सोचना ना पड़े, या आपको कोई बुक से देख के या गूगल पे सर्च ना करना पड़े कि व्हाट इट इज़, या हमने इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसमें जीएसटी की इसमें क्या ट्रीटमेंट है, इसकी टीडीएस में क्या ट्रीटमेंट है, ईवे बिलिंग में क्या ट्रीटमेंट है. मेरे पास बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमने माल वापस भेजना है, नोट तो काट दिया, प्लस मुझे ये बताओ कि ईवे बिल बनाना है या नहीं बनाना, अगर वो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करता है तो. ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चंस जो जो जेन्युइन हैं, जो रूटीन में आपके पास आने वाली हैं, जो प्रॉब्लम्स, वो सब कुछ हम कोर्स में कवर करके चलेंगे. हर चीज़ प्रैक्टिकली कैसे चलनी है वो कवर करना है. हमने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि जो बुकिश हो और इररेलेवेंट हो. जो चीज़ सामने आपको नज़र आएगी हमने उतनी बात करनी है, क्रिस्प बात करनी है, लेकिन हर चीज़ कवर करनी है. कोई चीज़ आपकी रहनी नहीं चाहिए कि ये चीज़ आपको सामने आई लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक विल बी बैंक लोन्स और बैंक रिकन्सलेशंस. बैंक लोन्स हम डिटेल में कवर करेंगे कि कितनी टाइप के लोन्स बैंक से कोई बिजनेसमैन लेता है या रूटीन में चलते हैं, उनकी इंटरेस्ट कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, क्या उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, व्हाट एन अकाउंटेंट नीड्स टू डू इन केस ऑफ दीज बैंक लोन्स, कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे हर चीज़ करनी है, हर चीज़ उसमें कवर्ड होगी. हर चीज़ की प्रॉपर क्लासेस होंगी. आपकी जो बैंक लोन्स हैं उनकी हर चीज़ हम डिटेल में कवर करके चलेंगे. उसकी प्रॉपर 2 to 3 days की क्लासेस होंगी जिसमें सारी चीज़ डिटेल में करवाई जाएगी. बैंक लोन्स प्रोसीडिंग फर्दर, योर लेजर स्क्रूटनीज, योर बैलेंस शीट्स, ऑफ कोर्स दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बिजनेस, आर वर्क. कि आफ्टर अ ईयर, आफ्टर क्लोजिंग अ ईयर, बैलेंस शीट एंड फाइनल अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड, एंड उनमें क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, कैसे हमने वो चीज़ें बनानी है, कैसे सीए के ऑफिस में भेजनी है, कैसे ऑडिट करवाना है, कैसे करना है, हर चीज़ इसमें कवर्ड होगी. हर चीज़ के प्रॉपर सेपरेट सेशंस होंगे, सब कुछ इसमें कवर्ड होगा. अब मेरे पास कुछ क्वेरीज ये भी आई थी कि मैम मुझे ये बताओ कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स विल आई बी एबल टू डू एवरीथिंग ऑफ अ पार्टी, कि अगर मैं 4-5 लोगों का काम ले लूं इकट्ठा, और क्या मैं कैपेबल हो जाऊंगा इतना कि मैं हर काम को टच कर सकूं, हर चीज़ कर सकूं, उनकी हर चीज़ मैनेज कर सकूं, समझदारी से आगे सारी चीज़ें प्रोसीड कर सकूं. बिल्कुल, इसका जवाब यही है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको इतनी नॉलेज तो हो जाएगी कि आप हर चीज़ अपने हाथ से, अपने हिसाब से सारी चीज़ें चला सकते हो. कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो छूट जाएगी, जो आपको किसी और को रेफ़र करना पड़े आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स. एवरीथिंग इन डिटेल विल बी कवर्ड इन द कोर्स. हर चीज़ आपको लाइन टू लाइन सिखाई जाएगी. अगर आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स खुद जॉब करना चाहते हो, आप जॉब भी कर सकते हो. अगर आप अपना काम करना चाहते हो, आप अपना काम भी कर सकते हो. यू कैन ओपन योर ऑफिस या वॉट एवर, इन केस यू हैव योर ऑफिस राइट नाउ, यू आर स्टिल वर्किंग इन अकाउंट्स फील्ड एंड यू वॉन्ट टू फर्निश एवरी थिंग, एवरी और डिटेल्ड नॉलेज अगर आपने सब चीज़ें लेनी है, देन यू कैन डू दिस. यू कैन कम्प्लीट द कोर्स इन डिटेल. आप सब कुछ कर सकते हो, हर चीज़ इसमें कवर्ड होगी. आप हर काम लाइन टू लाइन अपने हिसाब से कर सकते हो. वी कैन ओनली प्रोवाइड द डिटेल्ड नॉलेज टू यू. हर चीज़ हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन उसे कैसे सीखना है, कैसे उसे आगे अप्लाई करना है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू.
हम जॉब के लिए जॉब प्लेसमेंट के ऑप्शन हम दे रहे हैं, जिसमें हम आपको जॉब्स के लिए भेजेंगे, इंटरव्यूज़ के लिए इंटरव्यू सेशन लेके प्रॉपर आपको सारी चीज़ें सिखा के कि कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, हर चीज़ लेके हम आपको हर चीज़ कवर करवा के आपको आगे भेजेंगे। लेकिन अब जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, दैट एवरी थिंग डिपेंड्स अपॉन योर ओन कैपेबिलिटीज़, योर ओन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहेगी, 100% प्लेसमेंट के लिए हम आपको कह रहे हैं, तो वी विल प्रोवाइड यू अ गुड प्लेसमेंट, बट एवरी थिंग डिपेंड्स अपॉन योर ओन कैपेबिलिटीज़, योर ओन यू कैन से आप खुद कैसा परफॉर्म करते हो, हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करेगी। एक पर्सन आपको डायरेक्शन दे सकता है, हर चीज़ सिखा सकता है, आपको नॉलेज दे सकता है, स्किल्स दे सकता है, लेकिन उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। अब एक और क्वेरी मेरे पास थी ऑनलाइन क्लासेस को लेके कि मैम ऑनलाइन क्लासेस का हमें एक डेमो दे दो या कुछ ऐसे है। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, इन केस यू वांट अ डेमो क्लास यू कैन हैव इट, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर, यू विल हैव द डेमो क्लास, यू कैन डिसाइड आफ्टर टेकिंग द डेमो क्लास वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। 24/7 सर्विस विल बी अवेलेबल। एक मुझे क्वेरी और आई थी कि मैम अगर हमें कोर्स कंप्लीट करने के बाद विद इन नेक्स्ट 15 डेज या विद इन 4-5 months या आफ्टर अ ईयर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी नई चीज़ आती है जो हमें नहीं समझ में लग रही, देन वॉट विल वी डू, क्या आप उसमें हेल्प करोगे? बिल्कुल हेल्प होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक बार फ़ी पे कर दी, हमने आपको सिखा दिया, आपको जॉब लगवा दी, हमारा काम ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वी आर 100% अवेलेबल फॉर यू। अगर आपने कोई एक चीज़ पूछनी है, यू कैन क्वेश्चन, यू कैन रिकॉर्ड योर क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन मैसेंजर, फेसबुक, यू कैन सेंड एवरी योर क्वेश्चन टू मी, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा आई विल आंसर दैट। कोई इसमें सोचने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कल को, अगर एक पर्सन मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इंडिविजुअली काम करना चाहता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, तो अगर मुझे आगे कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे मेरी हेल्प करोगे, उसका आंसर मैंने उन्हें दिया भी था। एंड मैं बाकियों की रेफरेंस के लिए भी इसका आंसर देना चाहूँगी कि इन केस आपको आगे कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन फ्रीली आस्क मी दैट थिंग, आई विल आंसर एज सून एज पॉसिबल। आपको वॉइस मेल के थ्रू आपको क्वेरी का सॉल्यूशन भेजा जाएगा। कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हर चीज़ पहले तो सिखाई इतनी अच्छी तरह से जाएगी कि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ऐसी आए ना, हर चीज़ हम कवर करेंगे। इन केस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, देन वी आर अवेलेबल, वी आर 24/7 अवेलेबल, आर कॉन्टैक्ट नंबर्स आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, आर लिंक्स, आर ईमेल आईडीज आर अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट एनी वेयर यू वॉन्ट। एंड विद दिस आई विल सम इट अप, थैंक यू सो मच।